तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेक्चर नंबर 16 रहने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही हो। अभी हम लोग पियाजेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। वायकोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरी दोनों ही कंप्लीट कर लिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन विच स्टेज चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सेरिएट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। यहाँ पे बात किसकी की गई थी, सीरिएशन की गई थी, कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को सीरिएशन में किस स्टेज पर लगाना सीख जाते हैं, जैसे छोटे, बड़े, 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 फिर बड़ा, इस तरीके से। तो बच्चों, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको नहीं पता ये कैसे करना, लेकिन आई होप कि आपको ये तो पता होगा ना, सेंसरी, प्री, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये क्या होता है, ठीक है। ये पियाजे के द्वारा दी गई चार स्टेजेस हैं। तो जो सेंसरी मोटर होता है, इसमें बच्चा 0 से 2 साल का होता है, ठीक है। आपके घर में भी छोटे छोटे होंगे बालक बालिकाएं, तो आपने देखा होगा जो बच्चा 0 से 2, मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक का, वो इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है लॉजिक। अगर कोई चीज़ किसी से 1 इंच भी बड़ी या छोटी है, तो आपने उसमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा 2 से 7 का होता है, इसमें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस वगैरह और फिर ये सब चीज़ें आती हैं। अभी इसमें इरिवर्सिबिलिटी रहती है, बच्चा रिवर्सिबल करना नहीं सीख पाता है। और जहाँ पे बात किसकी आ जाती है, लॉजिक की आ जाती है, जहाँ पे बात किसकी आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की आ जाती है, वहाँ पे आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 वर्ष जिसकी एज रहती है, वही आपका एकदम सही उत्तर है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच रिफाइन एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया है, मतलब एक प्रक्रिया है जो चल रही है, जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, मतलब जो भी आपके माइंड में ये चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या करती है, उनको रिफाइन और ट्रांसफॉर्म करती है, उनको परिष्कृत और परिवर्तित करती है, ठीक है, या तो उनको सुधार देती है या उनको बदल देती है, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, उसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही, संतुलन। इक्विलिब्रेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एडेप्टेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एडेप्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे प्रपोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज, आपको सीक्वेंस बताना है डेवलपमेंटल स्टेज का। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 में देखा, हमारा सबसे पहले सेंसरी आता है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल आता है, उसके बाद कॉन्क्रीट आता है, उसके बाद फॉर्मल आता है। यही आपका सही आंसर है, पहले प्री नहीं आता है, पहले सेंसरी आता है, प्री आता है, पहले फॉर्मल नहीं कॉन्क्रीट आता है, पहले कॉन्क्रीट नहीं आता, ठीक है। इसको हम लोग SPEF से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वो होती है जहाँ पर बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब बिना पेन के, बिना कॉपी के, वो हाइपोथेटिकली सोचने लगता है चीज़ों को। तो आपको बताना है कि किस प्रश्न के उत्तर बच्चा केवल औपचारिक संचालन के चरण में ही दे पाएगा। तो रौनक ने 11 चॉकलेट खाई हैं, उसकी बहन 2 गुना खा गई, ठीक है, 11 का 2 हम लोग कर देंगे। उन दोनों ने कुल कितनी चॉकलेट खाई है, बहन 2 गुना, रोहन का तो 11 खाई है, बहन ने 22 खाई है, उन दोनों ने कितनी चॉकलेट खाई है, 11 और 22 को जोड़ देंगे। चलो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। यदि ए बी से बड़ा है, यानी कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, और बी सी से बड़ा है, अब बी भी बड़ा है किससे, सी से, और ए और सी के बीच में क्या संबंध है, ये हाइपोथेटिकली हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी होल नंबर 67 to 81, और ये प्लस, ये सब बेकार की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, हु सेड लैंग्वेज नॉट ओनली थॉट्स नॉट ओनली प्रिसीड लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइन इट, संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा है, विचार ना केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है। इसको मैं अभी आप लोगों से, हम लोग पियाजे की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाषा किससे पहले आ रहा है, ध्यान देने वाली बात है। विचार ना केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है, ठीक है। थॉट्स जो हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, वो नॉट ओनली प्रिसीड लैंग्वेज, यानी कि सिर्फ लैंग्वेज को प्रसीड ही नहीं करते, मतलब उससे पहले ही नहीं आते, जबकि उसको डिटरमाइन भी करते, यानी कि उसको निर्धारित भी करते, मतलब कि आप जैसा अपने मन में सोचते हो वैसा ही आप बोलते हो, ये यहाँ पे कहा गया। तो आपका तो आंसर जीन पियाजे ही सही होगा, क्योंकि और पहली बात तो हम लोग जीन पियाजे के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात इस चीज़ को आप हमेशा याद में रखना। जैसे कि मैं आपको हिंदी का दिखा देती हूँ, जीन पियाजे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, विचार ना केवल भाषा से पहले आता है,
भाषा से पहले, भाषा पहले आएगी ये बात कौन कहेंगे, लेव वाइगोत्स्की कहेंगे। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा और विचार जो है वो बराबर एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, ठीक है। भाषा जो है वो विचार को प्रिसीड करती है, लेकिन विचार ना केवल भाषा से पहले आता है बल्कि उसे निर्धारित भी करता है। और जीन पियाजे के केस में सबसे पहले थॉट आता है आपका। ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 एंड 8 इन हिज क्लासरूम शूट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा 6 से 8 की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में यह करना चाहिए। तार्किक तर्कों का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, नहीं, हतोत्साहित करना तो अपने आप में एक निगेटिव शब्द है। वर्तमान समस्याएं जिनके लिए तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, किसी अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल ठोस, केवल अपने आप निगेटिव निगेटिव। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। इन जीन पियाजेज थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग आर रिफर टू एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियाँ को किस रूप में जाना जाता है, तो ये स्कीमा में ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। एज पर जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान समय और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। सेंसरी मोटर तो बिल्कुल ही नहीं रहने वाला इसमें आपका, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल, तो इसमें आपका कॉन्क्रीट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर थ्योरीज गिवन बाय जीन पियाजे एंड लॉरेंस कोलबर्ग। जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत सही है। बोथ हैव गिवन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमंग अडल्ट, यानी कि दोनों ने ही वयस्कों का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोनों ने ही सिद्धांत के 8 विकास प्रतिरूप बताए। दोनों ने ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित हैं। दोनों सिद्धांत अवस्था को प्रतिभावित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। दोनों जो थ्योरीज है वो थ्योरीज आर स्टेज थ्योरी, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। दोनों लोगों ने स्टेज के ऊपर थ्योरी दी गई है। पियाजे ने भी बताया कि बच्चा पहले सेंसरी में, फिर प्री में, फिर कॉन्क्रीट में, फिर फॉर्मल में। इसी तरह से लॉरेंस कोलबर्ग भी बताते हैं कि बच्चा प्रति एक एक चरण में आकर के, एक एक स्टेज पर आकर के अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हेन अ चाइल्ड इज शोन अ टॉय एंड देन इट इज हिडन इंस्टेड ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट इट द चाइल्ड ट्राइज टू फाइंड द टॉय। जीन पियाजे के अनुसार आपको ये बताना है, जब आप किसी बच्चे को खिलौना दिखाते हैं, जब बच्चा सेंसरी स्टेज में होता है तो वो क्या करता है, वो भूल जाता है। लेकिन अब बच्चा यहाँ पे सेंसरी स्टेज में नहीं है, क्यों, क्योंकि छुपा हुआ उस जो उसको आप खिलौना दिखाते हैं वो छुपा लेते हैं, वह उसे भूलने की बजाय उसे खोजने की कोशिश करता है कि आपने कहाँ छुपाया। तो बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है और इस विशेषता को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, और ये 0 से 2 साल तक के बच्चे के बीच में आ जाती है। अच्छा ठीक है, 0 से 2 आपका सेंसरी मोटर होता है, ठीक है। फिर प्री ऑपरेशनल में तो बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है, 2.5-3 साल में तो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन जीन पियाजे गिव इम्पोर्टेंस टू डैश बाय लेव वाइगोत्स्की इम्पोर्टेंस टू डैश। तो जीन पियाजे ने, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, मैंने बताया लेव वाइगोत्स्की जो है वो आपके सोशल हैं, कल्चरल हैं और लैंग्वेज आधारित है, और जीन पियाजे जो है वो आपके एक्टिविटी पर बेस्ड है। आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 8-8 मिनट में 10-10 क्वेश्चन की हम लोग फटाफट अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। होप्स हो कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहे हो, और प्लीज़ इन्हें आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।